एनिमल किंगडम में जंगली शिकारियों की नजर उन मासूम जानवरों पर होती है जिसे वह आसानी से मौत के घाट उतार सके। वैसे में आपकी नजर में हिरन, इम्पाला, जेब्रा और वार्थोक जैसे जानवर आ रहे होंगे। वैसे ये तो मासूम हैं जिनको मारना बेहद आसान है। इन्हीं मासूमों में से एक भैंस का बछड़ा भी है जो जंगली शिकारियों का फेवरेट फूड है, जिसे मारने में उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे मोमेंट दिखाने वाले हैं जब शिकारियों ने भैंस के बछड़े को अपना निशाना बनाया है। तो आज के इस वीडियो में आपकी रूह तक कांप सकती है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइना किल बफेलो काब। हाइना कितने खतरनाक होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हाइना हमेशा ही झुंडों में आक्रमण करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हाइना ने एक भैंस के बछड़े को अपना शिकार बनाया है। इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे कि एक भैंस का बछड़ा हाइना के बीच फंस गया है और हाइना इसको नोचना शुरू कर देते हैं और बछड़ा चीखता चिल्लाता नजर आ रहा है। लेकिन हाइना इतने दरिंदे होते हैं कि वह इसको अब मारकर ही दम लेंगे। अभी भी ये बछड़ा बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हाइना का झुंड ज्यादा होने के कारण इसको वहां गिरा देते हैं और बछड़ा अभी भी जिंदा है। लेकिन हाइना पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जिंदा है या मर गया है, और देखते ही देखते सभी हाइना का झुंड ने इसको मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाते हैं। वाइल्ड डॉग किल बफेलो काफ। जंगली कुत्ते कितने खतरनाक होते हैं ये तो हर कोई जानता है, क्योंकि यह हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करते हैं और झुंड में ही अपना शिकार करना जानते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे कि इधर वाइल्ड डॉग की झुंड के बीच में एक भैंस का बछड़ा फंस चुका है और इस भैंस के बछड़े को कोई आगे से तो कोई बैक साइड से इसको नोचना शुरू कर देते हैं और भैंस का बछड़ा जल्दी ही जमीन पर गिर जाता है और ये दरिंदे उसको नोचना शुरू कर देते हैं और भैंस का बछड़ा अभी भी जिंदा है और वह चिल्लाता चीखता पुकारता और अपनी मदद मांग रहा होता है। लेकिन इन दरिंदों के आगे किसी की भी नहीं चलती, क्योंकि ये दरिंदे इतने बेरहम होते हैं कि अपने शिकार को जिंदा ही नोचना शुरू कर देते हैं। और यदि आपको अभी तक इनकी दरिंदगी में भरोसा नहीं है तो चलिए एक और वीडियो क्लिप में हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से अपने पूरी की पूरी हदें पार कर देते हैं। इधर भैंस का झुंड दौड़ रहा होता है, तभी दौड़ते दौड़ते एक बछड़ा पीछे छूट जाता है और ये दरिंदे इस बछड़े को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन भैंस वहाँ पर अपने बच्चे को बचाने के लिए जरूर आती है, लेकिन इन दरिंदों के आगे उस भैंस का भी एक भी नहीं चलती, जिससे कि वे दरिंदे इस बछड़े को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। भैंस अभी भी अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और अंतिम में भैंस अपने बच्चे को बचाने में नाकामयाब होती है। लायन हंट्स बफेलो काफ। अक्सर देखा गया है कि भैंसों के झुंडों पर यदि शेर हमला करता है तो वह भागने में कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यह भी देखा गया है कि शेर अक्सर भैंस के बछड़ों को ही अपना ज्यादा निशाना बनाता है। इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे कि भैंस के झुंडों के बीच एक शेर घुस जाता है और उसी में से एक बछड़ा इस रेस में पीछे रह जाता है और बछड़ा मदद मांग रहा होता है, चिल्लाता है, चीखता है और तभी देखते ही देखते शेर उस बछड़े पर अटैक कर लेता है और उस बछड़े को तुरंत ही वह मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसा ही एक नज़ारा आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे। इधर बछड़ा शांत खड़ा होता है और शेर भी उसकी तरफ घूर रहा होता है, लेकिन अभी सब कुछ शांत चल रहा होता है। जैसे ही बछड़ा एक कदम बढ़ता है
वैसे ही शेर को लगता है कि यह अब भागेगा, लेकिन शेर इसकी भागने की कोशिश को नाकामयाब कर देता है। और देखते ही देखते एक बार फिर से ये सब कुछ शांत चल रहा होता है और अचानक ही शेर इसकी गर्दन पर अटैक कर देता है और इसको जंगल में ले जाता है। कोमोडो ड्रैगन हंट्स बफेलो का। कोमोडो ड्रैगन कितने खतरनाक होते हैं ये तो आपको पता ही है। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि यह पहले धीरे धीरे अपने शिकार को घायल करते हैं और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार देते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे कि एक भैंस का बछड़ा इस कोमोडो ड्रैगन की झुंड के बीच में फंस गया है और ये इसको इस मौत मारना चाहते हैं कि शायद देखने वाले की भी रूह तक कांप सकती है। पहले कोमोडो ड्रैगन अपने जहर से अपने शिकार को घायल करता है और जब वह घायल हो जाता है तब वह उसको निगलना शुरू कर देता है और नोचना भी शुरू कर देता है, जिससे कि उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आइए अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस बछड़े को मौत के घाट उतारा है। इधर कोमोडो ड्रैगन ने इस बछड़े की गर्दन को पकड़ लिया है और बछड़ा अभी भी जिंदा है, लेकिन इस दरिंदे को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अभी जिंदा है या मर गया है। बछड़ा इससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बछड़ा इस कदर घायल हो चुका है कि वह अब कुछ भी नहीं कर सकता है। और तभी भैंस वहां पर अपने बच्चे को बचाने के लिए आती है, लेकिन इन दरिंदों के सामने भैंस भी अपने कदम पीछे कर देती है और ये दरिंदे इस बछड़े को मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाते हैं। लिपार्ड हंट्स बफेलो का। लिपार्ड कितने खतरनाक होते हैं ये तो हर कोई जानता है, क्योंकि यह अपने शिकार को जमीन के अंदर हो या बाहर हर किसी को ही ये ढूंढ निकाल लेता है और उसको पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देता है। इधर एक लिपार्ड की नज़र एक बछड़े पर पड़ जाती है और बछड़ा को भनक भी नहीं लगती कि उसके अब थोड़ी ही देर बाद दर्दनाक मौत मिलने वाली है। और लिपार्ड दबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है और उसको तुरंत ही मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाता है। और बछड़ा बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसके चुंगल से बच पाना नामुमकिन है। और लिपार्ड इस बछड़े को पेड़ पर ले जाकर उसको अपने भोजन में शामिल कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से हर कोई मासूम को ही अपना निशाना बनाता है। वैसे आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे खतरनाक लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।